कर रहे हैं इसमें डाला। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़ जाएं क्योंकि यहाँ पर आपको नित नई मज़ेदार से जोन सीखें टेस्टी टेस्टी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप नई नई जोन सीखें ईजी वे से बनाने वाली रेसिपीज़ उनको सीखते रहेंगे। तो व्यूवर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है लजीज़ा खीर मिक्स, और यहाँ पर हम लोगों ने जो सा है वो एक डिब्बा लिया है लजीज़ा खीर मिक्स का, और 1 लीटर हम लोगों ने यहाँ पर दूध लिया है। बहुत झटपट बहुत आसानी से तकरीबन 4 से 5 मिनट में मतलब ये बन जाएगी। सिर्फ इसको मिक्स करना है और मुसलसल आप लोगों ने चम्मच चलाते रहना है, लेकिन उससे पहले जो सा है वो आपको यहाँ पर जो सा दूध है जो हम लोगों ने 1 लीटर लिया है, क्योंकि एक डिब्बे के लिए हम लोगों ने 1 लीटर दूध लेना है। 1 लीटर दूध हम लोगों ने लेने के बाद इसको बॉयल करना है, और जब वो बॉईल हो जाएगा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद जो सा हम लोगों ने ये लिया है लजीज़ा खीर मिक्स का डिब्बा, तो हम लोग इसको उसके अंदर शामिल कर देंगे। लेकिन किस तरह करेंगे आपके सामने सारा कुछ हम लोग करेंगे। दूध को उबाला दिलाना है और उसके बाद इस खीर जो सा है यानी कि खीर मिक्स को उसके अंदर शामिल करना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोगों ने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसको एक उबाल दिलाते हैं और उसके बाद इसके अंदर जो सा लजीज़ा खीर मिक्स का जो सा साशी है वो शामिल करते हैं। तो अभी वेट करते हैं, इसको उबाल देते हैं कि जो सा दूध है उसको उबाला आ चुका है। यहाँ पे दूध ने पकना शुरू कर दिया है, और अब ये जो हम लोगों ने पूरा लजीज़ा खीर मिक्स का जो सा पैकेट है ये लिया था वो अब हम लोग इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। अच्छे से हम लोगों ने इसको मिक्स कर लिया। अब मुसलसल इसके अंदर जो सा चम्मच वो हिलाते जाना है ताकि जो सा मिक्सचर हम लोगों ने इसके अंदर डाला है वो नीचे ना लगे और ये थिक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा 15 से 20 मिनट हमने इसको मुसलसल मतलब पकाना है और चम्मच को हिलाते रहना है ताकि जो सी हमारी खीर है वो तैयार हो जाए लेकिन नीचे ना लगे, और ये गाढ़ी भी हो जाएगी, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा जो सी हमारी खीर है लजीज़ा खीर मिक्स वो बिल्कुल झटपट तैयार हो जाएगी। जी, तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चम्मच चलाने से कि ये जो सी है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट हम लोग और बना लेते हैं ताकि ये मज़ीद जो सी है वो हमारी खीर गाढ़ी हो जाए, और उसके बाद इसको हम लोग ठंडा करके बर्तन में डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आज की जो सी हमारी रेसिपी है लजीज़ा खीर मिक्स वो हो गई है तैयार, और ये है इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी आज की हमारी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और इसके साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो व्यूअर्स, लेते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को मैं दुआ में याद रखिएगा और झटपट खीर को ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।